सावन में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। देश भर में सभी जगह भगवान शिव की पूजा आराधना होती हैं। इनमें से ही एक मार्कंडेय महादेव सावन मास में यहाँ भक्तों की तादाद लग जाती है। मार्कंडेय महादेव का मंदिर वाराणसी में करीब 30 किलोमीटर दूरी पर गंगा गोमती के तट संगत के कैथी के गांव में स्थित है। यह स्थान वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर पड़ता है। मान्यता है कि यह यमराज भी यहां पर हार मान ले जाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के अलावा भी लोग कैथी धाम पर दर्शन के लिए पहुँचते हैं। आज हम कैथी धाम की कथा के विशेष विस्तार में जानेंगे। इस धाम को लेकर के एक कथा प्रचलित है कि जब मार्कंडेय ऋषि पुत्र पैदा हुए थे तो वह अल्प आयु के थे। उनके माता पिता को यह बात ज्योतिषी ने बताया कि लड़का सिर्फ 14 साल जीवित रहेगा, तो जिससे ऋषि दंपत दुखी रहने लगे। संतों के सलाह पर मार्कंडेय ऋषि ने पिता ने गंगा गोमती संगम पर बालू के शुभ विग्रह बनाकर उनकी पूजा करने लगे। मार्कंडेय ऋषि के पिता तपस्या के लीन हो गए। जब बालक मार्कंडेय ऋषि 14 वर्ष के हो गए थे तो ज्योतिषी ने बताया कि समय पूर्ण होने पर उन्हें यमराज आएंगे। उस समय पिता के साथ साथ बालक मार्कंडेय ऋषि भी तपस्या में लीन थे। जैसे ही यमराज उनका प्रण हरने जैसे चले, वैसे ही भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव को देखकर यमराज नमस्तक हो गए। भगवान शिव ने कहा कि मेरे भक्त सदैव अमर रहेंगे और इनकी पूजा भी की जाएगी। तभी से भगवान शिव के साथ साथ मार्कंडेय महादेव की पूजा होने लगी। तभी से मार्कंडेय महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया।